हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं धातु और अधातु को पहचानने का आसान ट्रिक हम इस वीडियो में देखेंगे। और बहुत ही आसानी तरीके से आप एक सेकंड के अंदर आप बता सकते हैं कि ये भैया जो तत्व है ये धातु है और ये वाला जो तत्व है ये अधातु है। तो यहाँ पर हमने देखिए 42 तत्व यहाँ पर हमने लिया गया है। अब इससे मैं पूछ दूँ भैया कि पोलोनियम क्या है, तो अभी आप नहीं बता पाएंगे कि भैया ये धातु है या अधातु है। परंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको यूँ ही करी बता देंगे भैया कि ये धातु है और ये अधातु है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं वो ट्रिक। तो देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले लिख दिया है कि धातु और अधातु को पहचानने का आसान ट्रिक, और यहाँ पे हमने सभी तत्वों को ले लिया है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वो ट्रिक क्या है भैया, जिस ट्रिक के माध्यम से हम पहचान सकते हैं वो ट्रिक क्या है। तो बहुत अच्छा ट्रिक है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि जिस तत्व के, सबसे पहले हम जानते हैं कि धातु के बारे में कि कैसे हम पता करें कि भैया वो धातु है। तो जिस तत्व के अंत में, समझिएगा, जिस तत्व के मैं अंत में कह रहा हूँ, जिस तत्व के अंत में यम आ गया, देखिए यम आ गया या इसे इंग्लिश में UM आ गया, ठीक है, उस तत्व को हम धातु कहेंगे। जिसके अंत में, जिस तत्व के अंत में यम आ गया या UM आ गया, तो उस तत्व क्या होगा, वो तत्व क्या होगा, धातु होगा। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए सोडियम, ठीक है, तो यम आया है, इसका मतलब ये क्या है भैया, धातु है। क्या है, धातु है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ धातु है, ठीक है ना। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। ऐसे ही यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या है, बेरिलियम है, लिथियम है, मैग्नीशियम है। तो ये देखिए सभी पर क्या आ गया है भैया, यम यम आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, धातु है, ठीक है। इसी प्रकार आप एल्युमिनियम को दे सकते हैं, पोटेशियम को, कैल्शियम को, ठीक है, स्कैंडियम को, टाइटेनियम को, पेनेडियम को। तो देखिए सभी के बीच में क्या आ रहा है भैया, धातु आ रहा है, सॉरी क्या आ रहा है, यम आ रहा है। जिसके अंत में, देखिए सभी के अंत में यम आ रहा है, तो जिस तत्व के भैया अंत में यदि यम आ जाता है, UM आ जाता है, तो वो क्या हो जाएगा भैया, आंख मूंद के आप कह सकते हैं कि भैया ये क्या है, ये है धातु, ठीक है। इसी प्रकार और हम देख लेते हैं, तो क्रोमियम है, ठीक है, गैलियम है, रुबिडियम है, इसके क्या है, ट्रेंसियम है, ठीक है, मेरियम है, ठीक है, जिरकोनियम है, ठीक है, नियोबिनियम है, रेडियम है, ठीक है, कैंडियम है। देखिए सभी के अंत में आप अगर देखते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यम 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 यम, ठीक है, यम। जिसके अंत में भैया यम आ जाए, जैसे रुबिडियम है, तो जिसके अंत में क्या भैया यम आ जाए, वो हम आंख मूंद के कह सकते हैं ना कि वो भैया क्या है, धातु है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि धातु को बहुत ही सिंपल है, बस आप जाइए अंत में देखिए उस तत्व का यम आ गया, आप कह दीजिए भैया धातु है, ठीक है। इसी प्रकार और हम देख लेते हैं, तो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे आर्गन आ गया, देखिए यहाँ पे यम है, नहीं है, तो आप इसको भैया धातु नहीं कहेंगे, ठीक है। तो इसको आपको अभी रखना है, अभी मैं बताऊंगा कि अधातु को कैसे पहचानेंगे। यहाँ पे देखिए तो यम आ गया, देखिए सोडियम लिखा गया है ना, तो यम आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है भैया, धातु है, ठीक है। बेरियम है, ये भी धातु है, पोलोनियम है, ये भी धातु है। और याद रखेंगे भैया, जो पोलोनियम होता है इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है भैया, 84 होता है। और याद रखेंगे सबसे अधिक समस्थानिक किस तत्व का होता है, ये कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी और ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आपसे पूछ लिया जाता है बहुविकल्पीय में, कि सबसे अधिक समस्थानिक किस तत्व का होता है। तो आप आंख मूंद कर कह देंगे भैया पोलोनियम जो तत्व है इसका परमाणु क्रमांक 84 होता है और सबसे अधिक समस्थानिक इसी तत्व का होता है। समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक, ये तो हमने पढ़ाया ही है, आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे, ठीक है। देखिए इसके भी अंत में यम आ गया, ठीक है, इसके भी अंत में यम, ठीक है, यम यम यम, देखिए सभी के अंत में यम आया है ना, तो ये सभी क्या हो जाएंगे भैया, धातु हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्रिप्टॉन पे यम आया है, नहीं आया है, तो इसको अब हम यहाँ पे नहीं, इसको क्या कहेंगे, हम धातु नहीं कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले देख लिया कि भैया धातुओं को, अब हम जानते हैं भैया अधातु को, कि अधातु कौन सा है भैया। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अधातु को कैसे पहचाने, ठीक है, कि अधातु कौन सा है। तो भैया याद रखेंगे, जिस तत्व के अंत में, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि जिस तत्व के अंत में यदि आ जाता है सौ, क्या आ जाता है, सौ आ जाता है, रो आ जाता है और नौ आ जाता है। जिस तत्व के अंत में सौ आ जाए, रो आ जाए या नौ आ जाए, ये सभी क्या हो जाएंगे भैया, वो अधातु हो जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए आर्गन लास्ट में नौ आया है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा भैया, ये अधातु हो जाएगा, अ धातु, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखिए तो क्रिप्टॉन है, लास्ट में न आया है, इसका मतलब ये क्या है भैया, अधातु है। तो इस प्रकार आप पहचान सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल आप पहचान सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा, यदि समझ में आया है, यदि आपको इस वीडियो से सीखने को मिला होगा और तो आप चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप भी देख सकते हैं कि चैनल पर अभी आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यदि आपको समझ में आया है, आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो सपोर्ट करते भी हैं, अच्छे कमेंट्स करते हैं, उनसे उनकी सोचों के जो क्या होते हैं, उनके जो विचार है
वो पता चलता है। बहुत ही अच्छा लगता है उनकी सोच को कि उनको आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है, जो उतना अच्छे सोच है उनका, अच्छा विचार है, वो अपने भी मोटिवेट होते हैं, हमको भी मोटिवेट करते हैं। बहुत अच्छा लगता है कमेंट्स उनका सुनकर। ठीक है, तो आप भी मोटिवेट कीजिए, मोटिवेट होइए, ठीक है, सपोर्ट आप भी कीजिए, हम भी कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे ज़ेनॉन आया है, ठीक है, तो ज़ेनॉन लास्ट में ना आया है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे भैया, लास्ट में ना आ जाए तो उस तत्व का क्या कहेंगे भैया, अधातु कहेंगे। ऐसे ही हाइड्रोजन लास्ट में ना क्या कहेंगे, अधातु। ठीक है, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देखिए क्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, ठीक है, देखिए यहाँ पे फास्फोरस, स आ गया लास्ट में, ये क्या हो जाएगा भैया, जिसके अंत में स वो भी अधातु। ठीक है, देखिए यहाँ पे सल्फर लास्ट में र, र आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, अधातु कहेंगे। ठीक है, नियॉन है, न आ गया लास्ट में तो न आ जाए तो इसे भी अधातु कहेंगे। तो इस प्रकार आप पहचान सकते हैं कि भैया कौन धातु है और कौन अधातु है। ठीक है, बहुत से ऐसे तत्व हैं जो आप कहेंगे भैया कि जैसे कि आपने हीलियम नहीं बताया कि क्या है, तो भैया याद रखेंगे हीलियम जो है लास्ट में तो यम आया, परंतु हीलियम क्या है, धातु नहीं है, वो क्या है भैया, अक्रिय तत्व है। ठीक है, अक्रिय गैस भी आप कह सकते हैं तत्व के, क्योंकि तत्व में तो सब आ जाएंगे ना। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। ऐसे आपको बहुत सारे हैं, जैसे कि सोना अभी आपने हमने नहीं बताया, जो सिल्वर होता है, चांदी, जो चांदी जैसे हम कहते हैं, ठीक है, तो ये सभी हमने नहीं बताया, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है, उनको आप देख सकते हैं, क्योंकि आपसे इससे सपोर्ट तो मिल गया। ऐसे आप मतलब कोई भी अगर पूछ लिया जाता कि भैया ये कौन सा तत्व है, धातु है या अधातु, तो अभी आप नहीं बता पाएंगे, परंतु लगभग आप तत्वों को ऐसे बता सकते हैं कि भैया ये क्या है, धातु है, ये अधातु है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो मैं यही कहूंगा, यदि समझ में आया है तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि भैया क्लास 10th हो या क्लास 12th हो, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, उन सभी को चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को करा दिया जाए, क्योंकि एग्जाम आने वाला है। तो आपके लिए यहाँ पे नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए और फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्लास 9th या 10th, 11th, 12th किसी का भी आप सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को मांग सकते हैं और वहां से फिजिक्स और केमिस्ट्री की पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।